तो अगर मैं बात करूँ उसके टेस्ट की तो काफ़ी सही है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो और ये सिर्फ मुझे 2 रुपये का पड़ा है D3 के लॉन्च में, VIP लॉन्च में। क्योंकि आप लोग पास जो क्रेडिट कार्ड है तो या डेबिट कार्ड इसको भी लॉन्च अच्छी चीज़ आप लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो पहले ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से ख़त्म कर दो। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, सलेड वगैरह भी है, काफ़ी कॉफ़ी वगैरह हर चीज़ है। तो ठीक है, पहले करता हूँ। एग्जीक्यूटिव लॉन्च जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया, और इसके अंदर जो जो भी था मैंने वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई। कोशिश करी थी ज़्यादा ज़्यादा कवर करने की। मेरे 25 रुपीज़ कटे थे ऐसे ही कोरल क्रेडिट कार्ड से, जो कि रिफंडेबल होता है, 2 रुपये ही कटते हैं, बाकी 23 रुपये रिफंड हो जाते हैं। और मेरे पास डेबिट कार्ड भी था तो उसमें भी था, बट हम ये करके धीरे धीरे यूज़ करते हैं जब भी जाते हैं। मैं सोचा चलो इस बार आप लोगों को लॉन्च भी दिखाई देता हूँ। तो ये सारा कुछ 2 रुपये में था, सिर्फ पानी की बोतल हम लोग सब ला सकते हैं और कुछ नहीं ला सकते। बाकी आप लोग आओ तो एंजॉय कर सकते हो लॉन्च को। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट डेबिट कार्ड है तो आप एक बार चेक जरूर करवा लें कि आपके उस पर बेनिफिट है या नहीं है लॉन्च एक्सेस। क्वार्टरली भी मिलता है और सबका अपना अलग अलग है हर बैंक का, तो एक बार जरूर चेक कर लें। टाइम होने वाला है तो चलते हैं अपने गेट पर। हाँ जी, तो अभी हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और पहले से कुछ भी अपडेट नहीं था, वो मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया था पहले ही। तो इस प्राइजेट वाला को मेरे को नहीं पता, इसका रिव्यू का भी मैं अभी दूंगा, मेरे को खुद नहीं पता क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसके बारे में मेरे को उतना आइडिया नहीं है। जहाँ तक विस्तार से ट्रैवल किया है और इंडिया से तो पता है, बाकी लॉन्च वगैरह का मैंने आप लोगों को बता ही दिया था और दिखा भी दिया। तो चलते हैं अभी, बैठते हैं अपनी सीट पर, चल के फिर दिखाता हूँ आप लोगों को इसके अंदर का इंटीरियर वगैरह क्या कैसे है।